just learn something. I have attended a lot of painting functions since I have some good friends in this line. But this was something very different experience. जैसे बिंद्र साहब ने मुझे बताया कि इनका पेंटिंग बनाने का जो तरीका है बहुत यूनिक है. He doesn't paint with some brush or pencil या कोई चीज़ बना के उसके ऊपर पेंट नहीं करते हैं. He just go for it. My God. और उसमें से बनाते बनाते कुछ बनता है इनका. और आर्टिस्ट का जो आर्टिस्ट इस लेवल का है उसका बार कभी खाली जाने वाला नहीं है. वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही बनेगा. और सो मच एक्सपीरियंस इनको है. पूरी फैमिली इस लाइन में है. आई एम रियली अमेजिंग. आई एम सो हैप्पी कि इस तरह भी पेंटिंग की जा सकती है. दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल. यू आर हैविंग समथिंग वेरी स्पेशल सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं अभी इनसे कह रहा था कि इट्स लाइक यू गोइंग फॉर अ मिशन विदाउट नोइंग द मिशन एंड सेम टाइम यू हैव टू व्हाट डू यू से Sincere to the mission and you have to find your mission. This is amazing. आप जब पो करते हो अपना कलर फेंकते हो उसके ऊपर आपको नहीं मालूम क्या होने जा रहा है और फिर कुछ बनता है. फिर फेंकते हो फिर कुछ बनता है फिर उसमें से आपको दिखने लगता है कि मुझे ये चीज़ बनानी है. ये तो बड़ी कमाल की बात है यार. इट्स वंडरफुल. दिस फॉर्म इज़ रियली वंडरफुल. फर्स्टली मुझे आर्ट का बहुत शौक है. मेरे घर में अनेक कलाकार अनेक अमेजिंग आर्टिस्ट के क्रिएशंस मेरे सारे दीवारों पर है. इनफैक्ट मिस्टर बेंद्रे के एक बहुत ही खास पेंटिंग ऑलरेडी है मेरे घर पे. आई लव हिज़ वर्क. आई लव हिज स्टाइल. हमेशा जब भी मैं उनके आर्ट को देखती तो एक अलग कहानी जो है उसमें से निकल आती है. Of course, talent is God given, they say, but you know, after all, it's something that man has to put forward and put forth. And the way that Bendreji puts it forward onto canvas and the way he expresses himself through his paintings and art is amazing.